नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से आज एक अरदास समागम का आयोजन किया गया बड़ाकर की धरती में, क्योंकि पूरे विश्व में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के द्वारा आज सुबह 10 बजे ये आयोजन किया गया था, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो पौष महीने की ठंड में दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी संघर्ष की सफलता के लिए और उनकी चढ़ती कला के लिए आज हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख 71 होकर अरदास की है, ताकि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसान बिल के विरोध में, जो हमारी बीजेपी हुकूमत ने पास किया है उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है, ताकि किसान जो है वो सच की लड़ाई लड़ सके, और उसके लिए हम लोगों ने आज उनके लिए प्रार्थना की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल से की तरफ से आज बड़ाकर गुरुद्वारा में अरदास किया गया है, किसान के समर्थन में और सरकार के भी विरोध में। ये जो बीजेपी सरकार आज किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, उसके समर्थन में आज सभी गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के मेंबर और गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के सारे सज्जन यहाँ एकत्र हुए हैं। जिस तरह 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सुषमा स्वराज ने यही विरोध के में किया था, नहीं ये काला कानून के हम विरोध करते हैं, और बिचौलियों को ATM कहा गया था किसानों के समर्थन में। आज यही बीजेपी सरकार वही खेला खेल रही है, और किसानों के ये जो काला बिल लाई है, ये काला बिल के विरोध में आज पिछले 30-35 दिनों से हमारे किसान UP, पंजाब, हरियाणा से आज ठंड में दिल्ली की ये कहर वाली ठंड में बैठे हुए हैं, और ये बीजेपी सरकार आराम से सोई हुई है, और वो इस कानून को, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कह रहे हैं, पर मन की बात जो सुननी चाहिए हमारी किसान भाइयों की, वो ना सुन के सिर्फ अपनी ही मन की बात हमें सुनाए जा रहे हैं। तो हम आज सारे सिख समाज यहाँ उसकी पुरजोर विरोध करते हैं, और आशा करते हैं जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।